नमस्कार विद्यार्थी मित्रों स्वागत है आप सभी का सपना स्कूलिंग चैनल में आज हम आठवीं कक्षा का आठवां पाठ जो है हिंदी का पूर्ण विश्राम सत्यकाम विद्यालंकार जी ने लिखा हुआ इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं नमस्कार विद्यार्थी मित्रांो मी सपना टीचर तुम्हारा सर्वान चूब खूब स्वागत करते हा जो पाठ हाँ तो है खास कर संग हा एक हास्य व्यंग आ, एक गोष्ट आहे ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे लेखकाने इथे की आपल्याला या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये निवांतपणाचे शांततेचे काही क्षण खूप कमी मिळतात आणि जे पण मिळतात ते घरातल्या काही ना काही गोष्टींमध्ये आपल्याला निघून जातो वेळ त्यामुळे आपण काय करायचं आहे की कि कितीही काही गोंधळ असो गडबड असो काही असो आपण या छोट्या छोट्या क्षणांचा आनंद नाही घेऊ शकत आहे हिंदी मध्य समझुन घर प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते आता ही गोष्ट है खरतर अः खूब सुंदर ली लेली है मजा आए तुम्हारा फिर ऐका डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूक कर नाड़ी की गति देखी फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा आता आपण बी पी चेक करायला नाही का जे मशीन वापरतो त्याच्याबद्दल इथं बोलले विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए तो पत्नी बडी प्रसन्न हुई घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया जुहू की तयारी कर लो हम दो दिन पूर्ण विश्राम डॉक्टर डॉक्टरने सांगितलं आराम करा आणि मग यांनी आपलं घरी येऊन सांगितलं की चल आता बायको पण खुशच होणार ना बाहेर फिरायचे म्हटल्यावरती एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी चांदनी रात का मजा जूह पर ही है एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी दो बजे का लार्म बेल लगा लिया स्वयं वह दो से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी अत इतने की बायको का करती है तैयारी करती है सग लिहुन घेती है मुद्दे का लवकर उठ का एक्साइटमेंट खूब है श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी ये सग लिस्ट तैयार करू का नवर हाथ दिले गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी ट्यूब वाल सोल्यूशन एक गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी दिन भर दौड़ धूप करके पाई धुनी से मिस्री लाया। शाम हो गई मगर शाम तक चार में से दो खिड़कियों की चटखनिया भी नहीं किसी गई मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई आता खरतर आराम कराला संगित होता ना तर बीपी हाई का ही असल पर उलट फिरायला जायचं म्हणून उलटं त्यांचं दिवसभर जास्तच काम पडलं आणि जास्तच त्यांचं प्रेशर हाय झालं रात को सोने कस होते श्रीमतीजीने आश्वासक देते कहा कल जुहू पर दिनभर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी म्हणजे दमला होता ना पण बाईक म्हणली ठीक आहे ना जाणार ट्रीपला दमलं तर होईल आराम मिळेल श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं सुबह पाँच बजते अलार्म ने शोर मचाया रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई स्टोव को भी आज ही धोखा देना था वो हर मिनट में बुझने लगा आधा आधा घंटा उसमें तेल भर के दोगनी करने में चला गया आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्त चित्त हो तयारी मी चुटके वॉटर लू जाने से पहले, ने पहिले नेपोलियनने तैयारी एसी तयारी होगी आता नेपोलियन कोण आहे ने? तर नेपोलियन हा बोना पार्ट आहे ज्याने जग जिंकायचा संकल्प संकल्प करून आणि तो जग जिंकत चालला होता असा खूप मोठा योद्धा होता नेपोलियन तर त्याची इथे उपमा घेतलेली आहे की प्रकारे त्यांना जायचंय त्यांचा स्टोनी आता हा काळ खूप जुना आहे तर स्टोवमध्ये रॉकेल भरावं लागायचं आणि मग ते गडबडी मध्ये आणि तो स्टो पण काम करत नाही आहे उठलेच सकाळी पण हा सगळा गोंधळ चाललेला आहे महत महत्व के संपन्न करने से हम पती पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है आता इथे सहयोग म्हणजे एकमेकांना सहाय्य करणं सहाय्य करायचं म्हणजे काय करायचं तर मनाने एकमेकांना वचनाने कामाने सगळ्यांनी सहयोग करायचा आहे जीवन का मूल मंत्र भूलना न था श्रीमतीजीने मेरे कामो की याद दिलाते लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंता में हाथ बटाने लगा मैंने याद दिलाया पुडिओ के साथ मिर्ची का चार जरूर रख लेना पुडिओ के साथ मिरची चटणी का श्रीमती जी बोली अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना मैंने अभी पढ़ा नहीं है मैं बोला वह तो मैं रख लूँगा ही लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हमने पिछले साल कश्मीर से लाए थे जो पर बड़ी सर्द हवा चलती है अतः इतने तीन कश्मीर वर्णा जी स्वेटर वगैरह कि ठंडी सा जे आने से एकमेक आठवण करता है और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा वो तो रख लूंगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना आता कसा एक, में करना एक ही गोष्ट आठवण का काम कर राइटिंग पैड क्या करोगी कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी ये तो वक्त भी नहीं मिलता और जरा वे चिट्ठिया भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं ही रह गई तो जवाब किसकी दोगे कारण हा काळ असा आहे की जेव्हा पत्र लिहिणं एकमेकांना उत्तर देणं असा सगळा काळ आहे तो एकमेकांना पत्र लिहिलं की उत्तर लिहायचं असं मजा वाटायची लोकांना वाटायचं की जसं आपण जसं चॅटिंग करतो व्हॉट्सअप करतो तसंच तो प्रकार होता और सुनो बिजली के बिलवर बीमा के नोटीस आपडे हे उनका भी भुगतान करणं आहे उन्ही बी डाल लेना चाललेत तर आराम करायला आणि चाललंय काय सगळ्या कामांची यादी उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो उस सर का दर्द चढ़ गया इसलिए कहती छतरी भी रख लेना अच्छा बाबा रख लूंगा और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना शाम तक छाले ना पड़ जाए उनहा राउंड तो राउंड अस त्वचा तो तो एकदम क्या बनता सुरकुत लारके होते कि लार वहां चट्टे पड़ लारके होता छाले ना पड़ जाए वह बहुत करारी धूप पड़ती करारी धूप मुझे एकदम कड़क उन पड़ता श्रीमती जी ने कहती तो जा रही थी रख लूँगी रख लूँगी लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर कैंची ब्रश और सब तो मिल गया था लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था इसलिए बहुत घबराई थी मैंने कहा जाने तो नेल कटर बाकी सब चीज़ें तो रख लो इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थे भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत में समालोचना कर दूँगा आता इथे समालोचन म्हणजे पुस्तकावरचं जे विवेचन असतं ना ते लिहायचं होतं ठीक आहे मी करून घेईल नंतर आखिर तीन किताब किताबे थेले में छोकली म्हणजे ठेवून दिली आपल्या बॅगमध्ये छोले मी छोकली दिनों से कविता करने की भी धुन सवार होती सवार होती कविता करायची इच्छा झाली होती उनकी कै कत्रणे इधर उधर बिखरी होती उन्हें भी जमा कर लिया और सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जू से अच्छी अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी आखिर कई अटेची, कई थेले कई झोले भरकरम झुपोचे हो आता चालला होता आराम करायला पण किती सामान त्यांनी घेऊन गेलं इमॅजिन करा पाच आठ मिनिट तो हम स्वप्न लोकमय विचारते रे म्हणजे आम्ही स्वप्नातच वावरत होतो हम समुद्र में नहाने को चल पड़े समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया मस्त बुडले पाना। लहर के उस थपेड़ ने न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें तो याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं मैंने कहा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता अगर वो बंद नहीं हुई तो खुली रह गई तो क्या होगा कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे के रंग पीला पड़ गया मजा करायला चालले समुद्रात आंघोळ करतात म्हणजे डोक्यात अरे आपण खिडकी बंद केली नव्हती का और अगर खिडक्या खुली रह गई तो घर का क्या होगा यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती रहती थी जिस धडकड का इलाज करने को कोह आया था वह दस गुना पड गई थी झालं म्हणजे ज्या बीपी वाढल्यामुळे तो माणूस ते आराम करायला आला होता लेखक ते तर उलटच झालं उलटं आणखी टेन्शन आलं मैंने तेज़ी से मोटर चलाई मोटर का इंजन धक धक करता रहा लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क गया जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए अंदर आकर देखा खिड़की की चटखड़ी बंदस्तूर लगी थी सब ठीक ठाक था मैंने भी वही लगाई थी लेकिन लगा भूल गया था लगाई थी या नहीं है इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बड़ी थी अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया कि जब शब्द के साथ पूर्ण लगा रहता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है मुझे इतने एक गम्मचिर प्रसंग दिल है बारह जन घर घड़ता विसरायला होतं गोंधळ होतो गडबड होतं जी अपेक्षा असते ते काही होत नाही असे गंमतशीर प्रसंग इथं आपल्याला त्यांनी आपल्यासमोर मांडलेला आहे तर काही शब्दवाटिका आहे शब्दवाटिका बघून घ्या धोकणी करना म्हणजे हवा भरणा झल्लाना म्हणजे बहुत बिघड जाना झुंजलाना मुहावरे पण आहेत आखोचे ओझल होणं म्हणजे काय होजाना हात बाटणं म्हणजे सहाय्यता करणं रंग पिला पडणा म्हणजे घबरा जाणार आणि धुन चवार होणा म्हणजे लगन होणार तर हे वाक्यात उपयोग करण्यासाठी पण येतात लक्षा तर लक्षात ठेवा तर हा खूप मस्त होता पाठ मजा आली हा पाठाचं वाचन करताना आणि समजून घेताना पूर्ण विश्रामचं तर आपण आता ह्या धड्याचे स्वाध्याय प्रश्नोत्तर पाहणार आहोत हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि स्वप्ना झुमस्कून चॅनलला सबस्क्राईब करा बाय बाय